एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और अभी मैं हूँ फिलहाल जेपी पार्क, जो कि आपको पता है मध्य करीब बैंगलोर में। इस पार्क को जयप्रकाश नारायण पार्क भी कहते हैं। और अगर इसकी एंट्री की बात करें तो आपको सुबह के 5 बजे से 9 बजे तक है और शाम के 4 बजे से 7 बजे तक है। तो चलिए आपको पार्क के अंदर लेके चलते हैं। इन्हें देख सकते हैं, ये आपको जेपी पार्क है और यहाँ से आपको एंट्री है। तो अंदर चलते हैं। अब हम एंट्री के साथ ही यहाँ पे जैसा कि आपको बोर्ड मिल जाता है आपको कि क्या क्या इस पार्क में आपको मिलेगा, जैसे जॉगिंग ट्रैक, म्यूजिकल फाउंटेशन है, रॉक गार्डन है, आपको बहुत सारा बैम्बू गार्डन है, स्विमिंग पूल भी है और लेक है, वाटर चैनल है, जिम एरिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। टोटल 23 चीज़ें हैं। तो एक एक करके अब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ से स्टिंग स्टार्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें क्योंकि टाइमिंग बहुत कम हम लोगों को मिली है। 4 से 7 बजे तक ये शाम में खुलती है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो किसान वगैरह फार्मिंग वगैरह होती है उन सबको दर्शाया गया है। ये बहुत फेमस पार्क है बैंगलोर का, जेपी पार्क, जिसको जय प्रकाश नारायण पार्क भी कहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टॉय ट्रेन भी है सामने में, आपको दिख रहा होगा। ये इस पर अभी काम वगैरह चल रहा है, आई थिंक ये कुछ ही दिनों में ये स्टार्ट वगैरह हो जाएगा। और अभी बहुत सारी काम हो रही है, चीज़ें अभी प्रोग्रेस में है। तो ये जल्द ही ये टॉय ट्रेन स्टार्ट होगी इस पार्क में। और इस पार्क की ये भी खासियत है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्या ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, लोग यहाँ पे वॉकिंग वगैरह के लिए आते हैं। एक स्पेसिफिक टाइम में ये खुलता है और इतने सारे एक्टिविटी के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है इस पार्क में। ये आपको पार्क में एक छोटा सा ब्रिज देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। एक तो ये आपको पार्क ही के अंदर बनाया गया है और यहाँ पे लोग बैठ के फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। फ़ोटोशूट वगैरह के लिए काफ़ी खूबसूरत है ये। और जितना भी आप देख रहे हैं ये सब रॉक गार्डन है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था रॉक गार्डन आपको। तो ये सेक्शन आपको रॉक गार्डन में आता है, आगे में आपको बैम्बू गार्डन, बहुत सारा आपको लेक वगैरह भी मिलेगा। काफ़ी बड़ी एरिया में है तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो ये जगह काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। ये यहाँ पे छोटा छोटा बैठने वगैरह की भी जगह है, यहाँ पे आप चाहे तो बैठ वगैरह के चिल वगैरह कर सकते हैं। लोग फोटो वगैरह फ़ोटोशूट वगैरह करवा रहे हैं। तो अब मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ और आगे क्या क्या है। आपको इसी पार्क में आपको बहुत सारा सेक्शंस मिल जाएगा, आप चाहे बैम्बू हो, चाहे स्विमिंग पूल हो, लेक हो। तो देखता हूँ, जैसे ये सेक्शन हो गया था आपको, ये रॉक सेक्शन हो गया था। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या है। तो ये सेक्शन आपको बैम्बू गार्डन है। ये पर्टिकुलर सेक्शन में आपको पूरा जितने भी है आपको बैम्बू पेड़ वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर व्यू की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रैक्स वगैरह बिछ रहे हैं। टॉय ट्रेन मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, टॉय ट्रेन जल्दी स्टार्ट होगी यहाँ पर। और आगे चलते हैं, आगे में आपको जिम वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ओपन जिम देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक पार्क में आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी मैंने दिखाया रॉक गार्डन, दिखाया आपको बैम्बू गार्डन, दिखाया और ये जो है आपको ओपन जिम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपको एक और जिम था, स्टार्टिंग में भी एक ओपन जिम था और ये अभी फ़िलहाल अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी प्लास्टिक वगैरह भी नहीं उतरा है। तो एक ये जिम हो गया। अब लेक वगैरह बचा, आई थिंक लेक वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। जिम के ठीक अपोजिट में है लेक, वहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है। जल्द ही टॉय ट्रेन की भी फैसिलिटीज स्टार्ट होगी। तो ये आपको लेक देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये काम पूरा हो गया है ट्रैक्स वगैरह का। तो ट्रैक वगैरह पूरा बिछ गया है, बस ये कुछ ही आई थिंक नेक्स्ट मंथ से ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी टॉय ट्रेन की। और ये आपको लेक देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ से। आई थिंक वहाँ से जाते हैं एक बार, देखते हैं। मैं उल्टे रास्ते से आ गया लेक के पास। तो एक ही पार्क में आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़, लेक वगैरह और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। बहुत फेमस पार्क है ये जेपी पार्क बैंगलोर का। तो यहाँ पर हो गया आपको चिल्ड्रन प्ले एरिया हो गया, यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए झूला वगैरह है।
ये सेक्शन का एक अलग है, और यहाँ पे भी कुछ वगैरह बन रहा है, आई थिंक ओपन जिम है। तो ऑलमोस्ट 4-5 चीज़ें अभी कवर हो गई है, अभी बहुत सारी चीज़ों में काम लगी हुई है, फूड कोर्ट हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें अभी उस पर अभी काम चल रहा है। ये म्यूज़िकल फाउंटेन, ये आपको ठीक रॉक गार्डन के वहाँ पर रॉक गार्डन है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, रॉक गार्डन के ठीक अपोजिट में आपको म्यूज़िकल फाउंटेन देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ से आप टिकट वगैरह कटवा सकते हैं, टिकट 10 रुपये का है। शाम में इसका टाइमिंग है, 6 बजे से स्टार्ट होता है जब अंधेरा हो जाता है। तो ये आपको म्यूज़िकल फाउंटेन है, क्योंकि अभी फ़िलहाल इसमें भी काम वगैरह चल रहा है। तो अभी ये मेंटेनेंस वगैरह में है, ये भी आई थिंक नेक्स्ट वीक तक स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ही पार्क में इतनी सारी चीज़ें मिल जाती है, रॉक गार्डन हुआ, चाहे म्यूज़िकल फाउंटेन हो, चाहे आपको बैम्बू गार्डन हो, आपको टॉय ट्रेन हो, इतनी सारी चीज़ें मिल जाती है, वो आपको सिर्फ जेपी पार्क में मिलेगा, जो कि आपको पड़ता है मतिकरी में। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए